प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दो दिनों के दौरे पर रवाना हो गए। यूएई की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एहलान मोदी कम्युनिटी इवेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जहां राष्ट्रपति शेख बिन मोहम्मद जायद अल नाहयान मौजूद होंगे और पीएम मोदी कल हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो यूएई के लिए रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी, शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे, हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। यूएई अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। ये मंदिर बाप स्वामी नारायण का है। कल पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए भी ये मंदिर बेहद महत्व रखता है। ऐसे में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अबू धाबी हिंदू मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। बाईस जनवरी को पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया। अब दुनिया को इंतजार है अयोध्या से 2700 किलोमीटर दूर इस्लामिक देश यूएई में तैयार एक और भव्य मंदिर के उद्घाटन का। 14 फरवरी को अबू धाबी में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए तैयार है। ये मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण है। ये मौका संयुक्त अरब अमीरात में सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता का प्रतीक है, साथ ही भारत और यूएई के बीच गहरे संबंधों को भी दिखाता है। 14 फरवरी को पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दोनों देशों में मौजूद हिंदू समुदाय के लिए भी ये मंदिर बेहद महत्व रखता है। अबू धाबी हिंदू मंदिर का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। ये मंदिर बाहर से जितना दिव्य दिखता है अंदर से भी उतना ही भव्य है। It's a proud feeling being born and raised in this country to be able to see a traditional Hindu temple come in this Middle East. It's a really proud feeling. अबू धाबी में 55,000 वर्ग मीटर में बना ये मंदिर इस्लामिक देशों में बना अब तक का सबसे विशाल मंदिर है। मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर का निर्माण 7 मंदिर के साथ बनाया गया है, जो रामायण, महाभारत, भागवत और शिव पुराण की कहानियों का वर्णन करता है। मंदिर का डोम ऑफ हार्मनी 5 प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष सिंबल है। मंदिर के हर कोने में भारतीय सनातन संस्कृति की झलक दिखती है। इसके साथ भारत के पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती को दर्शाने के लिए एक झरना भी बनाया गया है, जो इनके स्रोत को दिखाता है। मंदिर में प्रवेश के बाद यहाँ वाराणसी जैसे घाट भी है, जहाँ एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ यमुना। अबू धाबी के मंदिर का निर्माण राजस्थान और इटली के गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से किया गया है। पत्थर को भारत में 1500 से अधिक कारीगरों ने हाथ से तराशा है, जिन्होंने हिंदू संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए जटिल पैटर्न से नक्काशी की है। First traditional Hindu temple in Abu Dhabi, which is going to open soon, is made of more than 25,000 tons of stone. There's a beautiful story behind that stone. The stone, white Italian marble that you see behind me, comes from Italy.
It is transported to Gujarat and then to small villages of Rajasthan, where more than 5,000 workers have been working since last 4 years, hand carving each one of these pieces, just with the help of chisel and hammer. पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर की नींव भी पीएम मोदी ने ही साल 2017 में रखी थी, जब वो यूएई के दौरे पर थे। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर है और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है। इसके बनने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मंदिर के डिजाइन में 7 शिखर है, जो यूएई के 7 स्टेट्स के प्रतीक है। On 14th, our Honorable Prime Minister is coming here to Abu Dhabi to inaugurate this temple, which is of 7 spires. 7 spires symbolically represents the 7 emirates of United Arab Emirates. मंदिर के साथ एक और खास बात है कि इसकी जमीन मुस्लिम शासकों ने दान में दी। एक सिख इस मंदिर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं। इसका डिजाइन बनाने वाले आर्किटेक्ट ईसाई हैं। हिंदू कारीगरों ने मूर्ति बनाई है और एक पारसी कंपनी इसका निर्माण करा रही है। यानी मंदिर से वासुदेव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त, और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं और कई स्वयंसेवक भी पधारे हैं। मंदिर के उद्घाटन में शेख मोहम्मद महंत स्वामी महाराज के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद 18 फरवरी 2024 मंदिर के कपाट आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे।